असलकम वरम्त लाला ना दिस इज़ द वॉइस ऑफ खुरम गजाली टीचर ऑफ हमदर्द पब्लिक स्कूल आई होप कि माय डियर स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे और आपने लास्ट लेक्चर सुना भी होगा और पैटर्न पेपर सबको ज़ुबानी याद भी हो चुका होगा एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द पैटर्न पेपर यू मे आस्क इंशाल्लाह नो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर टू you know that we have total four chapter in paper 1 okay now today inshallah we will take the welcome step from chapter number 2 and uh, the very first topic of chapter number 2 we are going to start now the name of today's topic is makkī and madani surahs you can say makkī and madani revelations in holy quran we have two types of verses uh, one is Makki verses or Surahs and second is Madani verses or Surahs. You can say Makki revelations and Madani revelations. Now this topic is very simple and uh, it's not very difficult. First you should know that the definition of Makki Surah and uh, then how we can recognize ke this or that Surah or verse or Makki or Madani. So, first, inshallah, I am going to explain the definition of Makki Surah. Now, listen carefully, and I want your special attention here. The definition of Makki Surah. Now, the chapters or verses that were sent down or revealed before migration to Madina, we call Makki Surah or verses. Again, listen. द चैप्टर्स मीन चैप्टर्स ओके द चैप्टर्स और वर्सेज डेट वर्ड बिफोर द हिजरा रेवीलेन कहते हैं कि मक्की सूरतें और मक्की आयात वो हैं जो माइग्रेशन टू मदीना से पहले नाजिल हुई हैं दिस इज़ वन मोस्ट यानी कि कॉमन डेफिनेशन इन दिस चैप्टर ये एक एक डेफिनेशन वो है जो तकरीबन हर टीचर आपको बताएगा लेकिन इसके साथ में एक डेफिनेशन आपको और बता रहा हूँ जो आपके यहाँ ओ लेवल्स की बुक्स में मेंशन नहीं है वो डेफिनेशन भी अब याद कर लें उसको सुने उस वो डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू मुफसरीन द चैप्टर्स एंड वर्सेस ऑफ होली कुरान कुरानैट वर सेंड डाउन इन द फेयरवेल हज और आफ्टर हिजरा और द चैप्टर्स एंड वर्सेस डैट वर सेंड डाउन इन मक्का आर रिगार्ड एज मक्की मुफसरन का वर्ड आपने इस पर सुना है कि फर्स्ट है मुफसरिन किसे कहते हैं यू शुड नो दैट द सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी एंड बेसिकली वी हैव डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इन इस्लामिया वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन द टर्मिनोलॉजीज ऑफ़ इस्लामियात इज़ मुफसर और मुफसरन मुफसर उसे कहते हैं जो कुरान को एक्सप्लें करते हैं जो कुरान की तफसीर करते हैं स्कॉलर्स उनको हम मुफसर कहते हैं ज़्यादा हों तो मुफसरण प्लूरल उसका इनका ताल्लुक कुरान की वर्षि से होता है ये कुरान की वर्षि को हाईलाइट करते हैं डिस्क्राइब करते हैं एलोब्रेट करते हैं इनको मुफसरण कहा जाता है एंड वी हैव लिस्ट ऑफ़ द मुफसर इन इस्लाम फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इमाम कुरतबी वन ऑफ़ द मोस्ट प्रोमिनेंट मुफसर इमाम कुरतबी इमाम फ़खरुद्दीन राजी रतल इमाम आलूसी बगदादी दीज़ आर फ्यू एग्ज़ाम्पल ऑफ द मुफसन फ्राम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम नौ अकॉर्डिंग टू मुफसरीन मुफसरी जिनका ताल्लुक कुरान की आयात से होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं वो ये कहते हैं कि वो सूरतें और वो आयतें जो मक्का की बाउंड्री के आसपास रिवील हुए हैं फेयरवेल हज में रिवील हुए हैं वो भी मक्की सूरते हैं ठीक है एक डेफिनेशन है इसकी ठीक है तो मक्की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है मक्की सूरते किसे कहते हैं नो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ कैन रिकोगनाइज कि दिस और डेड वर्सेस और सूराज आर जो हैं वो मक्की हैं या नहीं हैं। नंबर वन द मक्की वर्सेस एंड सराज आर जनरली शॉर्ट एंड ब्रीफ मक्की सूरत जो आयात होती हैं वो बहुत शॉर्ट होती हैं उनका मीनिंग बहुत ब्रीफ होता है फॉर एग्ज़ाम्पल सखलास शॉर्ट है बट इसका मीनिंग बहुत ब्रीफ है कम्प्रीहेंसिव है वन एस तो हीद इसका चैप्टर है सूर कौसर इस वेरी शॉर्ट बट ब्रीफ ठीक है ये मक्की सोचते हैं शॉर्ट भी होती हैं ब्रीफ भी होती हैं एंड सेकेंड इज़ इन मक्की सराज जनरली द फॉर्म ऑफ एड्रेस यूज या अयुहन्नास मीन ओ पीपल या ओ मैन काइंड कुरने पाक में जहाँ पर आप ये लफ्ज़ देखें अरबी जबान में या अयुहन्नास ए लोगो ओ पीपल ओ मैन काइंड ये वर्सेस जो होंगी ये मक्की वर्सेस होंगी ठीक है एंड इन सरा इन मक्की सराज द चैप्टर्स गेट व हैरूफ मकत्आत ठीक है एक्सेप्ट द चैप्टर सरह बकरान सर अलराद वो कुरान पाक की सूरतें जिनके अंदर हरूफ मकत्आआत बयान किए गए हैं वो भी मक्की हैं सिवाय तीन के जिसमें सरह बकरा में जो इस्तेमाल हुआ है सूर आमरान और सूर रात में बाकी जहाँ पर भी हरूफ मत मौजूद हैं कुरान में वो सूरतें और आयतें मक्की हैं हरूफ मकत्आआत क्या होते हैं इसको भी समझ लें अलिफ लाम मीम हा मीम या सिं का इनको हरूफ मकत्यात कहते हैं और मकत्यात काम अल्लाह के रसूल जानते हैं इसका मीनिंग क्या है ठीक है नो एन अदर थिंक अबाउट मक्की वर्सीज़ और सुराज द चैप्टर्स डेट कंटेन सजद तिलावत वर्सीज़ वो कुरान पाक की सूरत जिनके अंदर सजद तिलावत है वो भी मक्की आयात हैं और इसके अलावा जिन सूरतों के अंदर वर्सीज़ के अंदर यू हैव द टॉपिक ऑफ वनस ऑफ अल्लाह प्रॉफिट हुड लाइफ आफ्टर डेथ मीन रेजोरेक्शन तो जिस यानी कि आयत में तोहेद के बारे में जिक्र है रिसालत का जिक्र है मर के दोबारा ज़िंदा होने का जिक्र है क्यामत का जिक्र है एंड द स्टोरीज़ ऑफ आदम एंड इबलीस हैं तो एक्सेप्ट सूर बकरा वो सब के सब जो आयत और सूरतें हैं वो क्या हैं मक्की आयत हैं अब हम चलते हैं मदनी चैप्टर्स की तरफ नाउ मदीनी चैप्टर्स की डेफिनेशन की वेरी सिंपल द चैप्टर्स और वर्सेज डेट सेंड डाउन आफ्टर हिजरा मीन आफ्टर माइग्रेशन टू मदीना आर मदनी सूराज और वर्सी कुरन पाकि वो आयात और वो सूरतें जो हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई हैं वो मदनी सूरतें और आयात कहलाती हैं देखिए मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इंग्लिश और उर्दू के अंदर मदनी सुराज मदनी चैप्टर्स मदनी वर्सेस याद रखें कुछ सूरतें पूरी की पूरी मक्की हैं पूरी की पूरी मदनी हैं और कुछ सूरतें ऐसी हैं बहुत बड़ी जैसे सूर बकरा है आले इमरान हैं इसके अंदर कुछ आयात जो हैं वर्सेस जो हैं वो मक्की भी हैं कुछ मदनी भी हैं ये जहन में रखिएगा नो आफ्टर डेफिनेशन ऑफ मदनी सुराज एंड चैप्टर्स नो आई एम गोइंग टू एक्सप्ल The signs and how we can recognize the Madani verses. Number one, the Madani verses and chapters are long, you know that. But the Makki surahs and chapters are short and brief, but Madani verses and chapters are long. In Madani surahs, generally the form of address used is Ya Ayyuhallazina amanu. Oh, ye who believe, oh, believers. In Madani surahs, most of the arguments against the people of the book. एंड द हाइपोक्राइट्स ये तीन बातें मैं आपसे इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उर्दू ज़बान में कहते हैं कि मदनी सूरत और आयात जो हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और कुरान पाक में जहाँ पर या अजीन आम मनु से अल्लाह ताला ताला ने खिताब किया है एड्रेस किया है ए ई ईमान वालो जैसे कुरान पाक में है या लजीन आम मनु कोतिब आल को ए ईमान वालो हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए हैं इस पर या ए आम मनु बोले तो समझ लें कि यह मदनी आयतः इसमें अल्लाह ने एड्रेस या आय आम ओ बिलीवर्स वो आयात भी मदनी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने पीपल ऑफ़ द बुक अहले किताब के अगेंस्ट आर्गूमेंट्स किए हैं यानी कि अहले किताब एक टर्म है कुरान में इस्तेमाल होती है अहले किताब से मुराद क्रिश्चियंस और ज्यूज़ होते हैं यह व नसारा को अहले किताब कहा जाता है और जिन वर्सेस के अंदर अल्लाह ताला ने हाइपोक्राइट्स को एक्सपोज़ किया है मुनाफ़ी के बारे में बताया वो मदनी हैं ठीक है एंड एवरी सौरा इन विच अ परमिशन ऑफ जिहाद और डिस्क्रिप्शन और इट्स इंजक्शन होंगे यानि कि वह सूरत आयात जिसके अंदर जिहाद के अहकाम हैं जिहाद का हुक्म है वो भी मदनी आयात हैं एंड बिसाइड दिस मदनी सराज एंड वर्स हाई लाइट द प्रिसपल ऑफ सोशल पोलिटिकल एंड इकनमिकल वैल्यूज़ ऑफ़ द मुस्लिम वो वर्सीज़ जिसके अंदर अल्लाह मैटी ने अल्लाह व तआला ने सोशल वैल्यूज़ पॉलिटिकल वैल्यूज़ इकनॉमिकल लॉज हाईलाइट किए हैं वो भी मदनी हैं ठीक है और आफ्टर आफ्टर दिस द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन मदनी वर्सेस एंड शुराज द टीचिंग्स ऑफ लॉफुल एंड अन थिंग्स ऑब्लिगेशंस वो वह आयात जिसके अंदर हलाल और हराम का जिक्र है वो भी मदनी है और लास्टली एंड फाइनली इंजंक्शंस रिलेटेड और इंस्ट्रक्शंस और टीचिंग रिलेटेड टू फास्टिंग ज़कवा़त और हज वो आयात जिसके अंदर ज़क़़़़त का ज़िक्र है हज का जिक्र है रोज़ों का जिक्र है वो सब मदनी आयात और सोचते हैं दिस इज़ वर्ट टूडेज़ लेक्चर मीन डिफ्रेंस बिटवीन मक्की एंड मदनी सराज आप इसको ग़ौर से सुने और समझें फिर इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे पूछेंगे भी और यू हैव एन्यू क्वेश्चन तो आप पूछेगा इन शब्द गिव यू द आंसर्स अल्लाह तो आप सबको कामयाब कामरान रखें आप सबको दीन दुनिया हर मैदान में कामयाबी दे सेहत भी दे तंदुरुस्ती भी दे और कोरोना वायरस की वबा से निजात भी दे आमीन सुम आमीन वसलम